फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ निमकी। तो निमकी क्या होता है आप ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है निमकी। तो हर जगह में अलग अलग इसका भाषा होगा, हर जगह में अलग अलग बोलते होंगे, तो मेरे यहाँ निमकी बोलते हैं। तो अभी मैं आधा किलो मैदा ली हूँ, उसमें मैं काली वाली जीरा होता है ना, काला जीरा उसको बोलते हैं, तो मैं उसी को मैं मिक्स की हूँ जो निमकी में डालते हैं। तो ये काले छोटे छोटे से होते हैं, तो इसको मैं डाल दी हूँ। और स्वाद अनुसार नमक भी मिक्स की हूँ। और यहाँ पे प्रियांशी ना मेरा मदद भी कर रही है मैदा लगाने में, हाथ में भी ले रही, कपड़े में भी ले रही है। तो मैं यहाँ पे सारे चीज़ को डाल दी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे डालना है। मैदा, स्वाद अनुसार नमक और काले वाले जीरा डालना है, और यहाँ पे रिफाइंड डालना है। तो रिफाइंड थोड़ा आप ज़्यादा लीजिएगा, तो मतलब जितना आप ज़्यादा लीजिएगा उतना खास्ता बनेगा ये, और खास्ता बनेगा तो ही अच्छा लगेगा। अगर आप तेल कम डाल रहे हैं तो फिर आपको ये निमकी मज़ा आने वाला नहीं। तो तेल से ही इतना मतलब इस स्टेप में ले आना है मैदा को। उसके बाद पानी आप अपने अनुसार से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिएगा, ज़्यादा गीला भी नहीं बनाइएगा और मतलब थोड़ा कड़ा भी नहीं, नहीं तो फिर मतलब निमकी ना थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो गीला भी बनाइएगा तो भी अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से आप मैदा लगा सकते हैं। तो देखिए मैं हाथों से गूंद रही, तो आपको पता चल जा रहा होगा कि मेरा मैदा किस स्टेप में है अभी। तो अभी देख लीजिए पूरा अच्छे से लग गया था। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ तेल गर्म होने के लिए, और मैं इसको 15 मिनट छोड़ दी थी सेट होने के लिए। और अभी रोटी मतलब रोटी का लोई जिस तरह होता है ना, उस तरह से मैं इसको बना ले रही हूँ। तो आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। तो थोड़ा पतला अगर आप बेलिएगा ना इसको, तो पतली वाली निमकी निकलेगी मतलब बनेगा, और अगर थोड़ा मोटा बनाइएगा तो मोटी वाली निमकी बनेगी। तो मुझे थोड़ा मोटा वाला बनाना है। तो ये चाय के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप कभी भी घर में आप एक बार बना के देखिएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो अभी मतलब ऐसे करके गोल गोल से रोटी जैसा मैं बेल लूँगी, और इसको चाकू के मदद से काट लूँगी। तो मैं इतना ही पतला बनाई हूँ, आप इससे भी ज़्यादा पतला बेल सकते हैं। तो अब मैं इसको चाकू की मदद से काट लूँगी। तो थोड़ा सा आप चाहे तो इससे भी पतला काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं, मतलब आपका आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या करना है। तो अभी मैं थोड़ा इस स्टेप में मैं काट ले रही हूँ इतना सा। तो अभी है ना प्रियांशी ना मुझे ना थोड़ा वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है। जैसे मैं ट्राईपोड में रखती हूँ ना, तो आजकल ना ट्राईपोड ही गिरा देती है। इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो बनाना कम कर दी हूँ। और ऐसे ही मैं मतलब थोड़ा ऊपर वाला काम हो जाता तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं जैसे नीचे रखती हूँ ना ट्राईपोड जाके गिरा लेती है। तो अभी तेल ना गर्म हो गया है, और मैं तेल चेक कर ले रही थी। और यहाँ सबसे जरूरी चीज़ होता है ना कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर कच्चे पड़ जाएगा। तो फिर आप अच्छे से इसको तेल को गर्म कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा मतलब लो मीडियम में करके और फिर इसको डालिएगा निमकी, नहीं तो फिर ऊपर में कलर आ जाएगा लेकिन नीचे कच्चा पड़ जाएगा। आपको एक बार निमकी मतलब आप कढ़ाई में डालिएगा तो 15 मिनट टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे छोटी बड़ी हर चीज़ में आपको बता दे रही हूँ, आप एक बार ज़रूर घर में बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरा देखिए निमकी बन के तैयार हो गया है। तो देखिए कितना अच्छा से फूला फूला भी बना है ना। तो हर जगह अलग अलग इसका भाषा होगा, मेरे यहाँ झारखंड में इसको निमकी ही बोलते हैं, इसके लिए मुझे निमकी ही पता है। तो आप चाहे तो ट्रेन में भी ले जा सकते हैं आराम से, कोई ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पे मैं ना बॉल्स मतलब बना बना के रख रही हूँ, तो बॉल्स टाइप के बन जा रहे, चिपक जा रहे हैं ना, लेकिन मैं तेल में छोड़ दे रही हूँ ना आपस, तो पूरा अलग हो जा रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर कट जैसे बेल के आप काट भी रहे हैं ना तो अगर चिपक जा रहा तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अलग हो जाता है। तो अगर आप ट्रेन का सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं, कहीं एक दो दिन का सफ़र में जा रहे हैं तो भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और बहुत ही मतलब देखिए कितना अच्छा से सॉफ्ट बना है एकदम, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, और प्रियांशी भी खा सकती है इसको, और प्रियांशी भी खाती है।
तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास चले जाए। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।